देखिए यहाँ पे, देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिकली इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू होता है बेसिकली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इस वैल्यू से पता चलता है हमें कि कौन कितना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन कितना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इस वैल्यू से क्या पता चलता है हमें कि कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ वैल्यूज दे देगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और उसमें पूछ देगा अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, और ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका वैल्यू एट 298 केल्विन पे है। कितना है? 298 केल्विन। तो देखिए मैं सारा नहीं लिखूंगा, कुछ जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं का लिखूंगा। यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, एफ टू जो है फ्लोरीन, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके बेसिकली ये क्या बना लेता है, टू एफ माइनस बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ई नॉट का जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि वोल्ट में दे रखा है, ठीक है, इसका वैल्यू है 2.87, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सपोज आपने पास दे दिया Cl2 दे दिया, इसके बीच में भी बहुत सारे होते हैं, ये भी दो इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये क्या बना लेगा आपका 2Cl- बना लेगा, और 2Cl- का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 1.36, ठीक है। ऐसे ही और भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए Ag+ हो गया, Ag+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा ये, एक मिनट, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बना लिया आपका Ag, क्या बना लिया Ag जो कि सॉलिड में होगा, Ag बना लिया, और इसका जो वैल्यू होता है बेसिकली ये होता है आपका 0.8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है H2 जो कि गैसेस स्टेट में होता है, और इनका वैल्यू जो होता है इसी के रेफरेंस में निकाला गया है, ठीक है, जिसका वैल्यू जो होता है H2 का, ठीक है। H2 बना कैसे, ये सबसे पहले 2H+ है, इसी के रेफरेंस में निकाला गया है, 2H+ में जब दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये H2 बना, और इसका जो वैल्यू होता है 0.00 होता है। यही है आपका रेफरेंस, जिसके रेफरेंस में विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हमने ये वैल्यू निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे पॉजिटिव है, उसके नीचे अगर बात करें हम लोग, ठीक है, जैसे सपोज मैंने ले लिया Zn, तो Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, Zn सॉलिड में बना लेगा, किस में बना लेगा, Zn सॉलिड में बना लेगा, और इसका वैल्यू होता है -0.76। ऐसे ही जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर पोटेशियम का लेना है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कितना बना लिया, पोटेशियम सॉलिड में बना लिया, और इसका वैल्यू होता है -2.93, ठीक है। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे बनाते जाइए आप लोग। Li है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसका वैल्यू ये किस में हो जाएगा, Li सॉलिड में हो जाएगा, और इसका वैल्यू होता है -3.05। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं हम, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, और जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये क्या है आपका, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहने का मतलब यह है कि ई नॉट का वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू जितना पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जितना पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जितना नेगेटिव होगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग।
यस सर। वेरी गुड, लिख लिया आपने अदिति, आलिया। यस सर। आप लोग दोनों लोगों ने लिख लिया, चलिए। तो यहाँ पे एक सवाल आ जाता है अपने पास कि एनसीईआरटी का ही सवाल है, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के प्लस स्लैश के इज इक्वल टू माइनस 2.93 वोल्ट, एजी प्लस स्लैश एजी इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट, एच जी प्लस टू स्लैश एच जी ठीक है इज इक्वल टू 0.79 वोल्ट, एम जी प्लस स्लैश एम जी इज इक्वल टू माइनस 2.73 वोल्ट, एंड सी आर प्लस थ्री स्लैश सी आर इज इक्वल टू माइनस 0.74 वोल्ट ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा आप लोगों का अरेंज दीज मैटर्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। कहने का मतलब बस ये है, देखिए एक बात और ध्यान में रखिए ठीक है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं स्लैश वाला ठीक है, ये के प्लस से के में गया ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये जीरो में जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस जो करते हैं वो क्लास ट्वेल्थ में करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। फिलहाल बस आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है, जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। Yes. हो गया अदिति, आलिया सब कर रहे हैं ओके।
पहले Ag होगा या पहले Hg plus 2 होगा आलिया? सबसे लेस रिड्यूसिंग एजेंट देखना है ना, रिड्यूसिंग पावर Ag होगा या Hg plus 2 होगा? Ag plus. देखिए जो सर सबसे पहले K होगा, K plus slash K, फिर Mg plus 2 by Mg. इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रही है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आदिति? इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूसिंग देखना है हमें, ठीक है? तो यहाँ देखिए जरा, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा डाउन द ग्रुप उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि नहीं? यस. तो आप डिक्रीजिंग में कर रही है ना, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा उसके पास. यस. ठीक है, तो इसमें देखिए पॉजिटिव वाला वैल्यू देखिए, सबसे कम किसका पॉजिटिव वाला वैल्यू है? इसका है. सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है? तो Ag प्लस का सबसे ज्यादा है, यानी सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होगा, फिर इसका होगा. देन हम आएंगे इसमें, इसमें और इसमें डिसाइड करेंगे, तो इसका होगा फिर इसका होगा. सबसे बेस्ट किसका होगा? K प्लस का होगा ना, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा. ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. चलिए तो अब अपने